गाइस आज हम इंस्टॉल करेंगे H4 लाइट। लाइट इंस्टॉल करने से पहले आपको ये स्क्रूज को अनस्क्रू करना पड़ेगा। चार हमारे स्क्रूज यहाँ पे होते हैं और एक हमारा स्क्रू हेडलाइट के नीचे होता है यहाँ पे अंदर करके, ठीक है। तो पहले हम इन सब स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेते हैं। शायद आपको ये स्क्रू ना दिख रहा हो, चलिए तो मैं इसको अनस्क्रू करता हूँ। अनस्क्रू करने के बाद आप जो हेड है अपना इसका स्कूटी का, उसको आप आगे को पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा इजिली। खुलने के बाद आपको कुछ कनेक्टर्स दिखेंगे, लाइक वाइट और रेड अपने इंडिकेटर्स के हैं और जो बीच का है वो अपना हेडलाइट का कनेक्टर है, एज यू कैन। चलिए अब हमने इसका हेड यूनिट खोल लिया है। अब जो नीचे का फ्लैप है वो हमने इसको अनस्क्रू करना है। इसके स्क्रूज होते हैं एक यहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड, और दो बैक साइड इसके स्क्रूज होते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन सब को भी हम अनस्क्रू कर लेते हैं। अनस्क्रू करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है गाइस। सो आपने इसमें क्या करना है, जो आपकी लाइट का स्विच है उसमें एक येलो वायर होगी, येलो वायर को आपने कट करना है। कट करके जो पीछे से वायर आ रही है उसको आपने एक्सटेंड करना है लाइक दिस। ये मैंने पहले से कट कर रखी है सो मैं आपको कट करके नहीं दिखाऊंगा वायर। ये वायर जो थी वो स्विच से आ रही है, उसको मैंने कट करके एक्सटेंड करा है ब्लैक वायर के साथ, और ये वायर सीधा नीचे आके जो हमारा इग्निशन का स्विच होता है उसके बीच में कनेक्ट हो रही है, ठीक है। आप इसमें ध्यान रख लीजिए, आपने इसमें पॉजिटिव एंड में लगाना है। अगर आप नेगेटिव एंड में लगाएंगे तो गाड़ी इग्निशन ऑफ पे भी आपकी लाइट ऑन होगी। आप यूं यूं भी चेक कर सकते हैं इस लाइट को। सो मैं आपको ये सब पैक करके फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है गाइज। अब हमने इसके पॉजिटिव एंड में ये वायर लगा दी है। सो आप अब इसे बंद कर दीजिए इस कनेक्टर को। बंद करने के बाद एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह दिखेगा। ध्यान रखें कि वायर कम से कम थोड़ी सी लंबी हो ताकि ये स्ट्रेच ना हो। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमने चेक किया, शायद आपको ना दिख रहा हो बिकॉज मैंने इसके बल्ब भी चेंज कर रखे हैं। मैं आपको पास का स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अब हमारी स्कूटी ऑफ है तब भी ये लाइट ऑन हो रही है बिकॉज ये हमने डायरेक्ट कर दिया वायर। अगर गाइस सो ये ऑफ पे नहीं चल रही, मतलब हमारी ये बिल्कुल सही जुड़ी है, पॉजिटिव एंड में तार जुड़ी है। सो अब आपने क्या करना है, इसको जैसे था वैसे ही पैक कर दीजिए। अब ये इंस्टॉल करेंगे हम अपना इसका बल्ब। बल्ब कुछ इस तरह का है, H4 बल्ब जो हमने डायरेक्ट करा है। ये इजिली फिट हो जाता है अपनी एक्टिवाज में और एनी स्कूटर में, आप किसी में भी कर लीजिए इसको इंस्टॉल। और आपने ऐसे रख के इसको क्लिप को बंद कर देना है। ओके गाइस, बंद करने के बाद जैसे इसके कनेक्टर्स लगे थे आपने बिल्कुल वैसे ही इसको लगा देना है। देखिए ये कुछ इस तरह लग रही है। अब आपने क्या करना है, जो इसका स्विच था जो पीछे से आता है उसको आपने कनेक्ट करना है अपने H4 बल्ब के साथ, और जो इंडिकेटर्स के कनेक्टर्स थे आपने उसको इंडिकेटर्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट लाइक थम्स अप और डू कमेंट बिलो और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। टिल देन बाय बाय।